नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है यूपी से। आपको बता दूं कि यूपी की योगी सरकार ने अब दंगाइयों से निपटने के लिए एक दूसरे फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। जी हां मित्रों, बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार दंगाइयों और गुंडों से सख्ती से पेश आ रही है, इनकी जो है वसूली की जा रही है इनसे, और पहले इनकी तुड़ाई की गई, पहले प्लेटफॉर्म को ढंग से सजाया गया और उसके बाद इनसे वसूली की जा रही है, तो ऐसे में क्या आप योगी सरकार के इस कदम से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय और अपना जवाब मुझे जरूर दें। साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल आपको बताता हूं कि यूपी में अब योगी सरकार ने क्या दूसरी तैयारी शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में पिछले साल दिसंबर में जमकर उत्पात काटा गया था। लखनऊ में कई जगह पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया, महिलाओं से बदसलूकी की गई, बच्चों की बैन तक को रोका गया। यह सब कुछ चल रहा था नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में। यानी गुंडई करो, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करना है, लेकिन उस विरोध की आड़ में सड़कों पर उतर कर पथराव करो, पत्थर फेंको, दुकानों को आग लगाओ, पब्लिक और जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाओ, जैसे तुम्हारे अब्बा जान की ये संपत्ति हो। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि यूपी में, आपको बता दूं कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ सरकार बैठी है, तो आपको बता दूं कि अब योगी सरकार ने दंगाइयों से निपटने के लिए दूसरे फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है और योगी सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 लेकर आई है और इस ऑर्डिनेंस को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिल गई है। सबसे बड़ी खबर है, यानी अब ये यूपी में कानून बन चुका है, 6 महीने के लिए कानून बन चुका है और 6 महीने के बाद, 6 महीने के भीतर ही इसको यूपी सरकार को विधानसभा में पास कराना होगा और विधानसभा में पास होने के बाद ये यूपी में कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। हालांकि कानून बन चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की इस ऑर्डिनेंस को मिल गई है। आपको बता दूं कि यह ऑर्डिनेंस अब 6 महीने के लिए कानून बन चुका है और 6 महीने के भीतर ही इसको विधानसभा में पास कराना होगा। योगी सरकार को इसे स्थायी रूप देने के लिए विधानसभा और विधान परिषद से रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल 2020 पास कराना होगा। योगी सरकार का यह कानून आपको बता दूं कि इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिस वक्त आपको याद होगा कि लखनऊ में 57 दंगाइयों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे, तो मिलोर्ड ने मामले को संज्ञान में ले लिया। मतलब शाहीन बाग में ज्यादा भीड़ बैठी है, वो बैठी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 लाख लोग हर रोज प्रभावित हो रहे हैं शाहीन बाग के ड्रामे से, तो उससे कोई मतलब नहीं है किसी को। लेकिन अगर यूपी में दंगाइयों के पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं, पोस्टर लगा दिए जाते हैं, होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, तो इस पर मिलोर्ड संज्ञान ले लेते हैं। मतलब जिसने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, हिंदुओं पर पत्थर फेंके, उसकी निजता का अधिकार देख रहे हैं मिलोर्ड, और मिलोर्ड कह देते हैं कि इन पोस्टरों को तुरंत हटाइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था योगी सरकार को। इसके बाद आपको बता दूं कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट से अब यह मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को यही कहा कि लखनऊ से जो दंगाइयों के पोस्टर जो चस्पा किए गए हैं उनको हटा दिया जाए क्योंकि ये निजता का उल्लंघन है। लेकिन मित्रों आप ही मुझे बताइए कि ये कैसी निजता है, इन लोगों की कैसी निजता जो कि पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, लोगों के घरों में आग लगाते हैं, प्राइवेट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को निजता का अधिकार है? लेकिन अब आपको बता दूं कि इसी से निपटने के लिए योगी सरकार इस ऑर्डिनेंस को लेकर आई और इस ऑर्डिनेंस को अब पास करा लिया गया है। आपको बता दूं कि इसके बाद योगी सरकार ने कानूनी रूप से अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया और रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 लेकर आ गई। इसके बाद इस ऑर्डिनेंस को अब राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद अध्यादेश अधिसूचित कर दिया गया है। अब योगी सरकार सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में, यानी जो कि जो जज सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल भी बनाने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्लेम ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी क्लेम ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा
वही फैसला अंतिम होगा। इसके साथ ही मित्रों आपको बता दूं कि क्लेम ट्रिब्यूनल को अधिकार ये अधिकार होगा कि दंगाइयों की जो संपत्ति है उसको उसकी वसूली की जा सके। इसके साथ ही आपको मित्रों बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है कि इस ट्रिब्यूनल के अधिकारियों को ये राइट होगा, ये अधिकार होगा कि वो आरोपी की संपत्ति और आरोपी के नाम, उसका जो फोटो है, इसके साथ ही उसके अब्बा जान का नाम, इस सब को चस्पा करके रख सकती है, मतलब होर्डिंग्स लगाए जा सकते हैं ताकि इन आरोपियों की संपत्ति को कोई और ना खरीद सके। तो ये भी अधिकार होगा क्लेम ट्रिब्यूनल को। तो क्लेम ट्रिब्यूनल के वसूली का नोटिस जारी होते ही आपको बता दूं कि दंगाइयों की संपत्तियां कुर्क हो जाएंगी और क्लेम ट्रिब्यूनल के पास दीवानी अदालत की तरह ही अधिकार होंगे। इसमें ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज होंगे, इसके अलावा एक सहायक आयुक्त स्तर का एक और सदस्य होगा और नुकसान के आकलन के दावे का दावा, आपको बता दूं कि नुकसान के आकलन का दावा आयुक्त की तैनाती की जा सकती है और दावा आयुक्त की मदद के लिए एक एक सर्वेयर की तैनाती भी की जा सकती है, यानी हर जिले में एक एक सर्वेयर भी तैनात किया जा सकता है जो कि विशेषज्ञ तौर पर यह देखेगा कि कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरवाई के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल आरोपी की संपत्ति को भी कुर्क कर लेगा। हालांकि होता कुछ नहीं, अब जब अब्दुल पंचर बनाएगा तो कहां से वसूली कहां से देगा, लेकिन ये योगी सरकार है, वसूल तो लेगी ही, चाहे अपनी दुकान बेचो चाहे अपना घर बेचो, कहीं से भी लाओ, जो अपने अब्बा जान की समझकर तुमने जिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था उसकी भरपाई तो होकर ही रहेगी। आपको बता दूं कि यूपी की योगी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने देश में ऐसा कानून लागू किया है। लखनऊ में आपको बता दूं कि पिछले साल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19 और 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जमकर उत्पात काटा गया था, हिंसा का नंगा नाच किया गया था और इसके बाद 57 उपद्रवियों की पहचान करके ही योगी सरकार ने पोस्टर चस्पा कर दिए थे दंगाइयों के और इस पर ही ये सारा मामला गर्म हो गया। पहले हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और उसके बाद योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट से लड़ने के लिए सीधे सीधे योगी सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई, क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला ले लिया और अब इस ऑर्डिनेंस को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी भी मिल चुकी है। लिहाजा अब यूपी में यह 6 महीने के लिए कानून बन चुका है और इस दौरान उन सभी को यह समझना होगा जो यूपी में दंगा मचाने की सोच रहे थे या दंगा भड़काने की सोच रहे थे या जिनकी प्लानिंग ये थी कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतरकर जमकर उत्पात काटेंगे, दुकानों को लूटेंगे, दुकानों को आग लगा देंगे। तो अब उनके लिए ये कड़ा संदेश है कि यूपी में अब यह कानून लागू हो चुका है और किसी ने भी अगर यह कोशिश की कि सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी संपत्ति ही कुर्क कर ली जाएगी। यानी अब्बू अगर 50 रुपए का नुकसान करके आते हैं तो 100 रुपए की वसूली निश्चित तौर पर की जाएगी, चाहे तुम कहीं से भी लेकर आओ। आपको बता दूं कि ट्रिब्यूनल के अधिकारियों को यह भी कहा गया है, ट्रिब्यूनल को यह भी आदेश दिया गया है कि जो नुकसान किया जाएगा उससे दोगुनी वसूली की जाएगी। यानी नुकसान अगर 50 रुपए का हुआ है या 100 रुपए का हुआ है तो वसूली जो होगी वो 200 रुपए की होगी। सीधे सीधे योगी सरकार ने आदेश दे दिया है और रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल 2020 अब कानून बन चुका है यूपी में। इसके अलावा आप बता दूं कि योगी सरकार लगातार इस तरीके से काम कर रही है और आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरीके से योगी सरकार ने अपराधियों के साथ योगी सरकार निपटी यूपी में, जिस तरीके से पहले यूपी बदनाम था कि भाई कानून व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से लागू नहीं होती है, अपराधी खुलेआम घूमते हैं, लेकिन पिछले दिनों योगी सरकार के 3 साल आज आपको बता दूं कि आज पूरा हो चुके हैं और इन 3 सालों के अगर हम पिछले 3 सालों को देखें तो इन 3 सालों में आपने देखा होगा कि पहले तो योगी सरकार ने अपराधियों को सीधे सीधे निर्देश दिया सीएम योगी ने कि यूपी को छोड़कर चले जाओ वरना ठोंक दिए जाओगे, और वही योगी पुलिस ने किया भी, दनादन एनकाउंटर किए और उसका हश्र ये निकला, उसका नतीजा ये निकला कि चाहे फिर वो शामली हो या बुलंदशहर हो, यहां से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर अपराधी अपने गले में एक तख्ती लटकाकर घूम रहे थे और जिस तख्ती पर लिखा हुआ था कि हम आगे से कोई अपराध नहीं करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण मेहनत मजदूरी करके करेंगे और हमने जो क्राइम किया है उसके लिए माफ कर दिया जाए। इसके अलावा आपको बता दूं कि कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई कि जेल से अपराधी बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे, मतलब जमानत भी नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बाहर निकले तो योगी पुलिस कहीं
ठोंक ना दे। तो ठोंकने का ये मतलब जो योगी पुलिस का जो खौफ था उसी खौफ की वजह है कि आज यूपी में अपराध दर लगातार कम हो रही है, और ऐसे में जो नागरिकता संशोधन कानून के जो दंगाई थे उनसे भी अब योगी सरकार सख्ती से निपट रही है। और जब मेलॉर्ड ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अब उससे भी निपटने की तैयारी योगी सरकार ने पूरी कर ली है, और यूपी में कानून लागू हो चुका है वसूली का, यानी जो भी सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। तो मित्रों इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।